नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। मैं हूं आपके साथ आस्था त्यागी। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस बार कांवड़ियों की अधिक भीड़ को देखते हुए इनकी सुरक्षा भी कड़ी चुनौती होगी। इसके लिए पुलिस ने रूट डाइवर्जन से लेकर सुरक्षा के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। जनपद में तैनात 1726 पुलिसकर्मियों को शिव भक्तों की सुरक्षा में तैनात किया गया है। इसके अलावा जिले में 19 अस्थायी चौकियाँ बनाई गई हैं। हरिद्वार और ब्रजघाट से लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ उठाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, जबकि इससे भी अधिक संख्या में शिव भक्त विभिन्न मार्गों से होते हुए गंतव्य को रवाना होते हैं। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ASP मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर रूट डाइवर्जन के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हालांकि यह कब से कब तक लागू रहेगा, यह कांवड़ियों की संख्या पर निर्भर करेगा। यातायात व्यवस्था के लिए करीब 500 यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जबकि जनपद के विभिन्न थानों में तैनात पुलिसकर्मी किसी भी ना किसी रूप में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में रहेंगे। कांवड़ मार्गों और शिविरों में सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी, जबकि 4 रूटों पर 19 अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएंगी। यहाँ 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। 8-8 किलोमीटर के दायरे में गरुड़ वाहिनी तैनात रहेगी। सभी पुलिसकर्मी वायरलेस सेट के जरिए आपस में संपर्क में रहेंगे। इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस बल को मौके पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा CCTV कैमरे की जद में रूट रहेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में खासकर मार्गों पर 24 घंटे नज़र बनाकर रखी जाएगी। हापुड़ ASP अभिषेक वर्मा, ASP मुकेश चंद्र मिश्रा की अमरोहा ASP आदित्य लागे और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर सामंजस्य बनाने का प्रयास किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।